अगर आपको रेस्टोरेंट के बाहर लगी आग और लोगों का प्रोटेस्ट आम लगने लगे ना, तो आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि हालात कितने बिगड़ गए होंगे। कुछ ऐसे ही सिचुएशन 15 दिनों से फ्रांस की भी चल रही है और उसकी सिटीज चल रही हैं। पर ऐसा क्यों? उसका जवाब है एक पेंशन स्कीम जो वहाँ के प्रेसिडेंट ने इंट्रोड्यूस कर दी है और लागू कर दी है, जिसके बाद ये सभी लोग सड़कों पर उतर आए हैं। और आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आखिर स्कीम क्या है, इस स्कीम से किसे ज्यादा फायदा होगा, पब्लिक को या सरकार को, और आखिर इस पब्लिक को स्कीम से प्रॉब्लम क्या है, क्या ये फ्रांस की करंट सरकार का एंड हो सकता है। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर अब हम जानने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। लोगों के सड़कों पर नारे लगाना, दंगे होना, पॉलिटिशियंस का असेंबली में प्रोटेस्ट करना, इन सभी सिचुएशन से हम काफी अच्छे से वाकिफ हैं। और हम ये भी जानते हैं कि टाइम टाइम पर स्कीम पर ना चेंजेस होने चाहिए, इवॉल्व होना चाहिए, जो कि काफी जरूरी भी है, क्योंकि ये जरूरी नहीं जो चीज उस टाइम पर इतनी इफेक्टिव हो वो आगे भी उतनी ही इफेक्टिव रहे। यही सोचते हुए एक लीडर ने फैसला लिया था कि वो फ्रांस की काफी जरूरी स्कीम में चेंजेस लेकर आने वाले हैं। वो स्कीम थी पेंशन स्कीम और वो लीडर हैं इमानुएल, जिनके एक फैसले ने आज फ्रांस की तस्वीर ही कुछ और कर दी है। वो एक पेंशन रिफॉर्म लेकर आए हैं और नो वोट को फॉलो करते हुए उस पॉलिसी को उन्होंने लागू कर दिया है। इस नो वोट रूल के अकॉर्डिंग जो करंट सरकार है वो कुछ स्कीम्स को बिना असेंबली मेंबर्स के वोट के लागू कर सकती है, और अब उसका इस्तेमाल वहां की गवर्नमेंट 100 बार तक कर चुकी है। जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुई, विरोध शुरू हो गया और असेंबली के बाहर और अंदर दोनों तरफ लोग भड़कने लग गए, क्योंकि लोग इस स्कीम से खुश ही नहीं है। पर क्यों? ये जानने के लिए हमें पहले इस स्कीम को समझना होगा। पेंशन स्कीम रिफॉर्म 2023 के अकॉर्डिंग अब तक जो मिनिमम रिटायरमेंट एज 62 थी वो 64 हो जाएगी। जो लोग अब 42 सालों तक काम कर रहे थे उनको अब 43 सालों तक काम करना मैंडेटरी हो जाएगा, और ये एज धीरे धीरे कर बढ़ाई जाएगी। जैसे 3 महीने में बढ़ा दी, फिर 3 महीने में बढ़ा दी, ताकि ये जो मोटिव है इनका वो 2030 तक अचीव हो जाए। हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे फायर फाइटर्स और डिफेंस डिपार्टमेंट के जो लोग हैं जिनका काम ऑलरेडी काफी डेंजरस है और फिजिकल हेल्थ की उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो उनकी जो अर्ली एज रिटायरमेंट वाली जो पॉलिसी है वही चलती रहेगी। पर इस स्कीम से लोगों को दिक्कत क्या हो रही है, क्योंकि फ्रांस की पेंशन स्कीम को तो ऑलरेडी काफी अच्छा बताया जाता है। इसमें लोगों को मेन दिक्कत है एज फैक्टर के बढ़ने से और वर्किंग ईयर बढ़ने से। दे डोंट एग्री कि इस रिफॉर्म की कोई जरूरत है, क्योंकि वहाँ का जो मॉडल है वो थोड़ा डिफरेंटली काम करता है। जैसे आप अगर अभी काम कर रहे हो तो डायरेक्टली आप एक रिटायर्ड वर्कर के पेंशन को फंड कर रहे हो। इतने सब के बाद लोग नहीं चाहते हैं कि ये रिफॉर्म हो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम वो किसी और के रिटायरमेंट को फंड करने के लिए ज्यादा साल क्यों काम करे और क्यों अपनी रिटायरमेंट एज को बढ़ा दे। पर सरकार ये सुनने को राजी नहीं है, क्योंकि उनके खुद के काफी रीजन है, और अब उन रीजंस की बात करने वाले हैं जिनकी वजह से इस रिफॉर्म को लाया गया है। तो ध्यान से सुनिएगा। फ्रांस की जीडीपी का जो 14% हिस्सा है वो लोगों की पेंशन को फंड करने में चला जाता है, और इस पर सबसे ज्यादा प्रेशर जो पड़ता है वो वर्किंग सेक्शन पर पड़ता है, जो कि 21 टू 62 की एज की है, क्योंकि फ्रांस का जो बर्थ रेट है वो काफी कम है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 82 है, जो कि बाकी कई कंट्रीज से ज्यादा है। तो सरकार का कहना है कि अभी तक जो स्कीम चल रही थी उससे गवर्नमेंट फंड्स में कमी आ सकती है और 2030 तक ये अमाउंट 13.5 बिलियन यूरोस का हो सकता है। इसलिए वो इस एज रिफॉर्म को लाना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये स्कीम लागू होती है तो वो 17.7 बिलियन यूरोस का कंट्रीब्यूशन रिकॉर्ड कर पाएंगे, ताकि पेंशन सिस्टम ठीक से चल सके और यूथ पर दिक्कत ना आए, क्योंकि आने वाले कुछ साल में फ्रांस की 35% पॉपुलेशन रिटायर्ड होगी और उसका पूरा प्रेशर वर्किंग क्लास पर पड़ेगा और साथ ही कंट्री की जीडीपी पर। इससे पहले भी ना कई प्रेसिडेंट्स ने स्कीम को बदलने की कोशिश की थी, पर प्रोटेस्ट के बाद उन्होंने वापस ले लिया था, क्योंकि अंत में जनता की सुननी ही पड़ती है। अब आपके हिसाब से क्या वो दोबारा हो सकता है? क्या ये स्कीम को वापस ले लिया जाएगा? मुझे तो नहीं लगता। अगर आपको लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी अगर मैं स्कीम की बात करूं और हम कंट्री की प्रोग्रेस पर्सपेक्टिव से देखें, तो फ्रांस को इस रिफॉर्म की काफी जरूरत है और लोगों को यह बात समझनी भी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।